रोज नए मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाना इस एक्ट्रेस को बड़ा महंगा। आखिरी समय हो गया था एड्स, इसके बारे में आज मैं जानकारी देने वाला हूं। 80 के दशक में साउथ इंडियन फिल्मों में जाना माना चेहरा हुआ करती थी निशा नूर। कमल हसन जैसे बड़े स्टार्स भी निशा नूर के साथ में काम कर चुके थे। पर्दे पर निशा नूर की एक झलक देखने के लिए लोग आतुर रहते थे, बेताब रहते थे। निशा नूर बहुत ही शानदार एक्टिंग, डांसिंग और चमचमाते करियर के लिए उसे पहचाना जाता था। साथ ही उसके पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफ़ी चर्चा होती थी, जिसको सुनने के बाद में आपको एक बहुत आश्चर्य लगेगा, झटका लगेगा। लाखों के दिल पर राज करने वाली निशा नूर, जीवन में उसके एक ऐसा भी वक्त आया कि उसके मृत शरीर को कोई अग्नि देने वाला नहीं था। जीवन के आखिरी पलों में उनके शरीर के ऊपर कीड़े चींटियां जैसे जीव रेंग रहे थे। 2007 में जब उन्हें दरगाह के बाहर मृत पाया गया तो उनको कोई पहचान भी नहीं सका। जब उनको अस्पताल लेके गए तब तो उनकी पहचान का खुलासा हुआ। डॉक्टर की जांच में पता चल गया कि निशा नूर को एड्स जैसी खतरनाक बीमारी हुई थी। एड्स के कारण निशा नूर की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्होंने जल्दी दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसा कहा जाता है कि निशा नूर के संबंध काफ़ी एक्टर्स लोगों के साथ में थे जिनके कारण इनको ये बीमारी हुई थी। आखिरी दिनों में निशा नूर एकदम अकेली थी, कोई उन्हें पहचानता नहीं था, और इतने सारे लोगों के साथ में संबंध होने के बावजूद भी किसी ने भी उनकी केयर कभी किया नहीं। वो भी किसी के साथ में मन नहीं लगा पाई। रोज नए नए लोगों के साथ में संबंध करने से किसके थ्रू उसने एड्स लिया वो उसको पता नहीं चला। उसका अकेलापन जो था वो उसके डिप्रेशन का बाद में कारण बन गया, और बाद में पैसे नहीं, पूछने वाला नहीं, अकेलापन, एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से वो मृत हो गई। क्या है कि एड्स बीमारी जो है ना, उसका उसका मतलब एड्स से कोई वैसा मरता नहीं है। क्या होता है कि एड्स से हमारी जो प्रतिकारक शक्ति जो है, प्रतिरोधक शक्ति जो है, वो कम हो जाती है। मतलब मानवीय जीवन में, मानवीय शरीर में कोई बीमारी ना है इसलिए हमारे शरीर में प्रतिकारक शक्ति रहती है, प्रतिरोध करते रहते हैं। आपने देखा होगा अभी कोरोना के काल में भी जो लोगों को डायबिटीज हुआ था पहले से ही, ब्लड प्रेशर था, कोई ना कोई बीमारी पहले से थी, उनको जल्दी कोरोना हो गया क्योंकि प्रतिकार शक्ति कम। तो एड्स से क्या होता है कि प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है और फिर बीमारी फटाफट आ जाती है। और एक बार बीमारी आई और उसका इलाज नहीं किया, पहली प्रतिकार शक्ति कम है, तो फिर जल्दी आदमी मर जाता है। क्या होता है कि जब ऊंचाई पर रहते हैं जिंदगी में तो बहुत ही ईगो रहता है, वाह वाह होती रहती है, सब लोग पूछते रहते हैं, मगर आखिरी दिनों में कोई पूछता नहीं है। ये देखना है कि हम हमारे बॉडी की कैसी केयर करें ताकि आखिरी तक हम अच्छे स्थिति में रह सके, अच्छे हालात में हम मर पाएंगे। क्योंकि मरना तो सबको एक दिन है ही, ऐसा तो नहीं कि कोई अमर पट्टा लेके आया हुआ है। मगर मैं हरदम बोलता हूँ मेरे जीवन में भी कि मैंने मरना चाहिए, ऐसा कि आखिरी तक काम करते करते मैंने मरना चाहिए। इसलिए अपनी खुद की केयर लो, एक्सरसाइज करो, फिट रहो, तंदुरुस्त रहो, ताकि जीवन में हम कुछ ना कुछ कर सकें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की।
और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।